सो है गाइज, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो गए। तो फ्रेंड्स, अभी के वक्त इंस्टाग्राम के रील पे कुछ इस तरह का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है। सो गाइज़, आप इस तरह का वीडियो क्रिएट करके इंस्टाग्राम के रील पे अपलोड करते हैं तो गाइज़ आपका वीडियो वायरल हो सकता है। तो गाइज़, आज इस वाली वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि कुछ इस तरह का वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। एंड इससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं अपने चैनल पे जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह की रील एडिटिंग सीखने के लिए आपको VN एप्लीकेशन चाहिए जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। एंड ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा VN नाम से, तो वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड डाउनलोड करने के बाद में आपको नीचे की तरफ प्लस का आइकन दिख रहा होगा, तो उस प्लस का आइकन के आप ऊपर टैप कर देना। एंड टैप करने के बाद में आपको न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना होगा। एंड टैप करने के बाद में आपको मैं एक 3 सेकेंड की एक क्लिप दूंगा जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से इसे जाके डाउनलोड कर लेना। एंड इस ऐप में इस क्लिप को एक्सपोर्ट कर लेना। सो एक्सपोर्ट करने के बाद में इस क्लिप के आगे इस ऐप का वॉटर मार्क देखने को मिलेगा ब्लैक रंग में, तो उस वाटरमार्क को आपको डिलीट कर देना होगा। एंड डिलीट करने के बाद में आपको इस वीडियो के आगे प्लस का आइकन दिख रहा होगा, तो उसके ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद में वीडियो एंड फोटो पर टैप करना। सो टैप करने के बाद में आपको फ़ोटो के ऊपर टैप करना है। फ़ोटो पर टैप करने के बाद में आपको अपनी 4 फ़ोटो इस ऐप में एक्सपोर्ट कर लेनी है, तो मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारी 4 फ़ोटो इस ऐप में एक्सपोर्ट हो चुकी है, तो आप भी कर लेना। एंड ये होने के बाद में आपको दूसरा काम ये करना होगा कि इसमें ऑडियो ऐड करना होगा, जिसके लिए आपको टैप टू ऐड म्यूजिक पे टैप करना होगा एंड वापस म्यूजिक पे टैप करना होगा। सो टैप करने के बाद में आपको ऑडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। एंड डाउनलोड करने के बाद में इस ऐप में एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ऊपर की तरफ प्लस का आइकन दिख रहा होगा, तो उसके ऊपर टैप कर देना। एंड एक्सटर्न फ्रॉम वीडियो उस पर टैप कर देना। एंड टैप करने के बाद में आपको ऑडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा, तो मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। सो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको चॉइस पर टैप कर देना होगा। टैप करने के बाद में आपको म्यूजिक बीट दिख रहा होगा नीचे की तरफ, तो उसके ऊपर आपको टैप कर देना होगा। एंड आपको 4 बीट लगानी होगी, तो मैं आपको एक बीट के वो टाइम बता देता हूँ, फर्स्ट बीट का टाइम बता देता हूँ। तो आपको फर्स्ट बीट लगानी है 3.32 सेकेंड पे, ओके फर्स्ट बीट। एंड सेकेंड बीट आपको लगानी है 4.68 सेकेंड पे, ओके। एंड आपको थर्ड बीट लगानी है 6.13 सेकेंड पे, ओके। ये होने के बाद में आपको फोर्थ बीट लगानी है 7.73 सेकेंड पे, ओके फ्रेंड्स। तो आप ये 4 बीट लगा लेना। एंड ये होने के बाद में राइट पे टैप कर देना, तो वापस राइट पे टैप कर देते हैं एंड हमारा ऑडियो ऐप में आ जाएगा। सो ये होने के बाद में आपको दूसरा काम ये करना होगा कि आपको अपनी सेकंड जो बीट है उसके ऊपर आपको टैप करना है। एंड टैप करने के बाद में आपको सेकंड बीट है वहाँ तक आपको अपनी फ़ोटो की लेंथ रखनी है। एंड आपको अपनी थर्ड बीट पाना है एंड उसकी भी लेंथ, फ़ोटो की लेंथ थर्ड बीट के अकॉर्डिंग रखनी है। एंड फोर्थ बीट पर आना है, तो उसकी लेंथ आपको उस बीट के अकॉर्डिंग रखनी है। एंड ये होने के बाद में आपको थोड़ा सा जूम कर लेना। एंड जूम करने के बाद में जहाँ तक आपका ऑडियो है वहाँ तक आपको अपनी फोर्थ फ़ोटो की लेंथ रख लेनी है। सो हमारा ऑडियो यहाँ तक है, तो हमारी फ़ोटो की लेंथ यहाँ तक रख लेते हैं। सो ये होने के बाद में आपको दूसरा काम ये करना होगा कि आपको क्लिप अपनी फर्स्ट फ़ोटो के बीच में आना। जैसा कि देख रहे हो आप कि प्लस का आइकन दिख रहा होगा, तो आपको इसके ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद में आपको जूम दिख रहा होगा, तो जूम एनिमेशन सेलेक्ट करना एंड अप्लाई कर देना। सो आपको नेक्स्ट
प्लस का आइकन पर आना है एंड वापस जूम इफेक्ट अप्लाई कर देना है। तो अपनी जितनी भी फ़ोटो के बीच में ये आप देख रहे हो प्लस का आइकन, सबके ऊपर आपको जूम इन एनिमेशन ऐड करना है। सो हमारा हो चुका है ये। यू होने के बाद में आपको दूसरा काम ये करना होगा कि अपनी फर्स्ट फोटो के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद में आपको एफएक्स पे क्लिक करना है। एफएक्स पे क्लिक करने के बाद में आपको एक एफएक्स लगाना है, तो मैं बता देता हूँ कौन सा, जीटा डाउन। सो इसको आपको 1.30 सेकंड पे अप्लाई कर देना। सो ये होने के बाद में नीचे की तरफ देख लोगे कि अप्लाई टू ऑल, तो उसके ऊपर टैप कर देना, तो आपका ये एनिमेशन एफएक्स आपकी सारी फ़ोटो पे लग जाएगा। सो आपको अपनी फर्स्ट जो क्लिप है उसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद में आपको एफएक्स पे जाना। एफएक्स पे जाने के बाद में ये जो एफएक्स लगाया था अपने, तो आपको इसको नॉन कर देना है क्योंकि हमको हमारी क्लिप में नहीं चाहिए ये एफएक्स। सो आपको ये कर देना एंड हमारा वीडियो यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है। तो आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है और आप भी हैं अपनी ऐसी वीडियो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो ये सब होने के बाद मैं आपको इस वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर की तरफ एक्सपोर्ट पर टैप कर देना होगा एंड टैप करने के बाद में नीचे की तरफ राइट पर टैप कर देना होगा एंड आपका ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा।